हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये एक नई क्लास लेकर आ रहा हूँ। सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रामर का बिल्कुल एक ये बेस है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो। और ये टॉपिक है प्रीपोजिशन। आप सब जानते हैं कि ग्रामर के 8 भाग होते हैं। उन 8 भाग पे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। इन सभी पर मेरी अलग अलग क्लास है, तो जिसे भी दूसरी क्लासेस दूसरे किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो वो इस वीडियो के नोटिफिकेशन में जा सकता है और वहाँ से दूसरे भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ सकता है, देख सकता है कि इंग्लिश में कैसे किसका प्रयोग होता है। तो ये प्रीपोजिशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इस टाइप से इसका प्रयोग होता है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं देखिए। प्रीपोजिशन समुच्चय बोधक अव्यय होता है और इसका जो प्रयोग होता है, ये प्रीपोजिशन जितने भी होते हैं ये सब कहाँ आते हैं सेंटेंस में, या तो किसी नाउन से पहले आते हैं या किसी प्रोनाउन से पहले आते हैं। फिर नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आके करते क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का, जिससे पहले ही आते हैं, किसी दूसरे शब्द या किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं, ये इनका काम है। तो इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अब इसमें कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है वो सब एक एक करके मैं लेता जाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है इन और एट का प्रयोग कहां होता है। तो देखिए, जनरली इन का प्रयोग कहां करते हैं, किसी बड़े नगर के लिए करते हैं या देश के लिए करते हैं। और एट का प्रयोग हम कहां करते हैं, एट का प्रयोग किसी छोटे नगर के लिए या गांव के नाम के लिए, गांव के नाम के लिए या किसी छोटे स्थान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग क्लॉक टाइम के लिए भी हमेशा एट का ही प्रयोग किया जाता है, एट 5 o'clock, एट 3 o'clock, कभी कभी वहां ऑन दे देता है, वो गलत होता है। हमेशा एट का ही प्रयोग करिए क्लॉक टाइम के लिए। कुछ सर्टेन वर्ब्स भी होती हैं जो कि अपने साथ हमेशा एट लेती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग किसी बड़े नगर के लिए या किसी देश के लिए किया जाता है और एट का प्रयोग किसी छोटे नगर या छोटे स्थान या गांव के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया ताकि आपको बहुत ये सुविधा हो, इसे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, पहले एग्जाम्पल में क्लियर किया है, ही लिव्स एट नवीन नगर इन सहारनपुर। तो देखिए, नवीन नगर सहारनपुर का एक मोहल्ला है, एक छोटा स्थान है, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर नवीन नगर के लिए हमने यूज किया एट। जनरली यदि आपसे पूछा जाता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप अपने मोहल्ले के नाम के साथ भी इनका प्रयोग करते हैं कि आई लिव इन नवीन नगर। नो, आई लिव एट नवीन नगर कहिए। तो ये होता है ही लिव्स एट नवीन नगर इन सहारनपुर, और सहारनपुर क्या है, बड़ा शहर है, इसलिए हमने उसके लिए इनका प्रयोग कर दिया, तो एट यहाँ आया, इन यहाँ आया। दूसरे सेंटेंस में आप देखिए कि ही लिव्ड इन ए विलेज, ये बात मैंने यहां पर क्लियर की। अभी मैंने बताया था कि गांव के लिए एट का प्रयोग होता है, तो गांव के नाम के लिए एट का प्रयोग होता है। अगर जनरली मैं कहता हूं कि मैं गांव में रहता हूं, तो आई लिव इन ए विलेज, मैं एक गांव में रहता हूं, आई लिव इन ए विलेज, इन ही लगाऊंगा। लेकिन यदि गांव का नाम आ जाएगा, जैसे कि तीसरे एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है, यहां पर कहा ही लिव्ड इन ए विलेज, इन आ गया। लेकिन यदि वो ये कहता है कि वह मलीपुर में रहता था, तो ये बनेगा ही लिव्ड एट मलीपुर, चूंकि यहां पर गांव का नाम आ गया है, इसीलिए यहां पर हमने इसका प्रयोग किया, एट का प्रयोग किया है। एक चौथे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बताया क्लॉक टाइम के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। मैंने यदि मैं सेंटेंस कहता हूं कि मैं 5 बजे आऊंगा, तो आई शैल कम एट 5 o'clock, इसमें भी एट का ही प्रयोग होगा। अब दूसरा हम लेते हैं इन और इनटू का प्रयोग। ध्यान रहे, इन जो है वो किसी भी चीज की स्टेबिलिटी बताता है, स्थिरता बताता है, जबकि इनटू जो है
वो मोबिलिटी बताता है, गतिशीलता बताता है, यहाँ गति पाई जाती है, यहाँ स्थिरता पाई जाती है। जैसे कि एट भी स्थिरता बताता है, लेकिन एक टू होता है, टू टू क्या बताता है, टू भी गति का प्रतीक होता है, गति को बताता है। तो यहाँ पर इन और एट स्थिरता के लिए आते हैं, टू और इनटू का प्रयोग हमेशा गति के लिए किया जाता है। एग्जांपल से ये बात मैंने क्लियर की है। पहला एग्जांपल है द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहां पर मैंने इन लगाया है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि वो मैदान में है, तो वो एक स्टेबिलिटी उनके मैदान में है, चाहे वो कूद रहे हैं खेल रहे हैं, लेकिन यहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आता है, he jumped into the river, वह नदी में कूदा। तो देखिए बाहर से अंदर कूदा, गति हुई है, मोशन है इस सेंटेंस में, लेकिन आप उसमें भी क्या बना देते हैं, ये एग्जामिनेशन में ये करेक्शन में दे दिया जाता है, he jumped in the river, आप उसको सही मान लेते हैं, लेकिन यहां पर मोशन हुई है, गति हुई है, होना चाहिए ही जंप्ड इनटू द रिवर। यदि कोई ये मैं ये कहता हूं कि वह कमरे में आया, ही केम इनटू द रूम, सही है, ही केम इनटू द रूम। लेकिन यदि मैं ये कहता हूं कि उसने कमरे में प्रवेश किया, तो मैंने यहां पर बनाया ही एंटर्ड द रूम, मैंने ना इसमें इन लगाया ना इनटू लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एंटर पास ऐसी वर्ब है, पी ए डबल एस पास एंटर, enter, प्रवेश करना, इन कुछ वर्ब के साथ कभी भी इंग्लिश में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ना इन आएगा ना इनटू आएगा, तो यहां पर कभी कभी एग्जाम में वो एंटर के बाद में इन लगा देगा, कभी इनटू लगा देगा, आपने उसको हटाना है। तो इस टाइप से हम इन और इनटू का प्रयोग करते हैं, इन स्थिरता के लिए, इनटू गति के लिए। उसके बाद आगे आता है, ये तीन प्रीपोजिशन है, देखिए ऑन ओवर और अपॉन, तीनों का मीनिंग एक ही है, ओन मैंने भी ऊपर है और ओवर मैंने भी ऊपर है, अपॉन मैंने भी ऊपर है, लेकिन इनका यूज कैसे होता है, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग नियम के आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ओन को, ओन का प्रयोग हमेशा वहां किया जाता है जहां कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊपर हो और उसे आपस में टच कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, ऐसे प्लेसेस पर हम ओन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक किताब है और वो टेबल पर रखी हुई है, तो मैं कहूंगा द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि उसे वो टच कर रही है, इसलिए मैंने उसमें क्या लगा दिया, ऑन लगाया है। एक ऑन का प्रयोग कहां किया जाता है, याद रखिए इस बात को, हमेशा नेम ऑफ डेज के लिए, दिनों के नाम के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग नहीं होता, ऑन मंडे ऑन संडे, लेकिन एग्जामिनेशन में एट मंडे एट संडे दे देगा, तो वहां पर आप ऑन करिए। नेम ऑफ डेज के लिए हमेशा क्या किया जाता है, ऑन का प्रयोग होता है, और इसके अलावा ऑन वहां यूज होता है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु पर हो और उसे आपस में टच कर दे। उसके बाद आता है ओवर, ओवर का प्रयोग कहां होता है, ऊपर के लिए, जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन उसे आपस में टच न कर रही हो, जैसे द फैन इज फैनिंग ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है, द रूफ इज ओवर माई हैट, द स्काई इज ओवर माई हैट। कई बार सेंटेंस आता है एग्जामिनेशन में, पक्षी पेड़ पर उड़ रहा है, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, लेकिन हम वहां ऑन द ट्री लगा देते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाते समय, या करेक्शन में उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही कई बार सेंटेंस आता है कि वायुयान नगर के ऊपर उड़ रहा है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, नॉट ऑन द सिटी, ऑन नहीं लगाएंगे, ओवर द सिटी लगाएंगे। तो ओवर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसे आपस में टच नहीं कर रही हो। इसके अलावा ओवर का और कहां प्रयोग होता है, जहां कोई डिस्कशन चल रहा होता है, कोई एक सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे दे आर डिस्कसिंग ओवर फाइव ईयर प्लान्स, वे पंचवर्षीय योजनाओं पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां ओवर लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। उस टॉपिक के लिए भी हमेशा क्या लगाते हैं, ओवर का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया ये सब चीज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे अपॉन आता है, अब अपॉन में नहीं ऊपर है,
अब अपोन का प्रयोग कहां किया जाए, इसमें भी गति होती है। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि वायुयान नगर के ऊपर उड़ रहा है या पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन इस बात को अगर मैं ये कहूं कि पक्षी पेड़ के ऊपर से उड़ा तो चला गया, वायुयान नगर के ऊपर से उड़ा तो चला गया, वो स्थिर नहीं है, वहां नहीं है वो, अब ओवर लगने वाला नहीं है। अब क्या लगेगा, अब अपोन लगेगा। मान लीजिए एक मेज है और एक बिल्ली आती है और मेरे ही सामने वो उस मेज के ऊपर से जंप लगाकर उधर कूद जाती है, उसे बिना टच किए हुए उसके ऊपर से उसने जंप किया है, तो मैं कहूंगा बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी, तो उसकी इंग्लिश बनाएंगे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। लेकिन एग्जामिनेशन में ओवर लगा देगा, ऑन लगा देगा, तो आपने उसका क्या करना है, अपॉन करना है, बोलचाल में भी अपॉन करना है, हिंदी से इंग्लिश बनाते समय भी ऐसे सेंटेंस में इसका यूज करना है। मैंने यहां पर एग्जांपल दिए, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन लगा, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, ओवर लगा, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, इसमें अपॉन लगा। इन तीनों एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाती है। नंबर चार पर आइए, इसमें भी तीन प्रीपोजिशन है, विद है, बाई है, फ्रोम है। भाई विद मैंने भी से होता है, बाई मैंने भी से होता है, फ्रोम मैंने भी से होता है, विद मैंने साथ भी होता है, बाई मैंने द्वारा भी होता है, पैसिव वॉइस में। लेकिन से के सेंस में जब इन तीनों का प्रयोग होता है तो देखिए विद कहां लगेगा, कोई कार्य किसी यंत्र की सहायता से यदि किया जाता है और उसका रिजल्ट उसी प्लेस पर मिल जाए, उसी स्पॉट पर, उसी प्लेस पर उसका रिजल्ट मिल जाए, तो वहां पर हमेशा उस यंत्र के लिए विद का प्रयोग करेंगे। यदि कोई कार्य किसी यंत्र की सहायता से किया जा रहा है और उसका रिजल्ट उसी प्लेस पर ना मिले, स्थान परिवर्तन होकर मिले, किसी दूसरे प्लेस पे जाके उसका परिणाम मिले, तब वहां पर उस यंत्र के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैंने लिख भी दिया, ये सारी बात लिख दी कि कैसे होता है, लेकिन एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है ही किल्ड द लायन विद एन एक्सी, एक्सी कुल्हाड़ी होती है, उसने कुल्हाड़ी से शेर मार दिया, ही किल्ड द लायन विद एन एक्सी। अब यहां पर देखिए इसका मतलब ये हो, उसका रिजल्ट वहीं पर हमें मिल गया, हमने क्या लगाया, विद लगाया, विद एन एक्सी, ही रॉट ए लेटर विद ए पेन, उसने पेन से एक पत्र लिखा, पेन भी क्या है, एक यंत्र है। इसी टाइप से देखिए आगे अगला एग्जांपल है, ही वेंट टू कानपुर बाई कार, ही वेंट टू कानपुर बाई कार, मैं बाई ए कार लगा दूं या बाई कार लगा दूं, अंडरस्टूड है, तो इसमें बाई कार लगाइए, कभी कभी बाई ए कार है, ये अंडरस्टूड बात है, एक ही कार में तो बैठेगा, एक ही कार में तो जाएगा, तो ही वेंट टू कानपुर बाई कार, ही वेंट टू कानपुर बाई एरोप्लेन, ही वेंट टू कानपुर बाई द ट्रेन, वह गाड़ी से कानपुर गया। तो इसका मतलब यहां पर यंत्र के साथ में बाई लगाया जा रहा है, चूंकि यहां पर उसका रिजल्ट जो है उसे कानपुर जाकर मिल रहा, स्थान परिवर्तन होकर मिल रहा, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम बाई लगाए। नेक्स्ट, दिस लेटर इज रिटन बाई मी, पैसिव वॉइस में भी बाई आता है, तो देखिए यहां पर दिस लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा यह पत्र लिखा गया है, यहां पर भी हमने बाई का प्रयोग किया। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग कहां करते हैं, फ्रॉम मैंने भी से होता है, फ्रॉम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां सेपरेशन पाया जाता है, सेपरेशन यानी अलगाव, जहां कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाती है, कोई व्यक्ति किसी स्थान से अलग हो जाता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग हो जाता है। जैसे ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, वह छत से नीचे गिर पड़ा। मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं और आपसे कह रहा हूं कि मैं सोमवार को दिल्ली से वापस आऊंगा, तो मैं कहता हूं आई शैल कम बैक ऑन मंडे फ्रॉम दिल्ली, मैं फ्रॉम लगा रहा हूं दिल्ली के लिए, क्यों, क्योंकि मैं मंडे को वहां से अलग हो जाऊंगा। परिपोजिशन में आगे पांचवे नंबर पर आता है, यह है इन और विद इन, इन और विद इन का प्रयोग कहां किया जाता है,
इन किया जाता है फुल टाइम के लिए, जहां के हम किसी कार्य में कोई फुल टाइम लेते हैं वहां इन, और यदि फुल टाइम नहीं लेते किसी उस कार्य को उस समय के अंदर कभी भी हम कर सकते हैं, यानी वो पूरा समय नहीं लेंगे। अर्थात मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 मिनट पूरे लगाता रहूंगा, तो यहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूं, मैं 5 मिनट के भीतर आ रहा हूं, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि मैं 5 मिनट पूरे नहीं लगाऊंगा, अर्थात 5 मिनट से पहले ही आ जाऊंगा, 1 मिनट के बाद भी आ सकता हूं, 2 मिनट के बाद भी आ सकता हूं। तो इनमें इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, इसका मतलब मैं 5 मिनट पूरा समय लगाऊंगा। दूसरा सेंटेंस है आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स, मैंने अंडरलाइन कर रखा है विद इन को, मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूं, इसका अर्थ यह होता है कि मैं 5 मिनट का समय पूरा नहीं लगाऊंगा। उसके बाद छठा आता है बिटवीन और अमंग का प्रयोग कहां करते हैं। बिटवीन मैंने बीच में, अमंग मैंने बीच में। याद रखिए बिटवीन वहां यूज होता है जहां दो के बीच में कोई वस्तु या व्यक्ति होता है, और अमंग वहां यूज होता है जहां की कोई वस्तु या व्यक्ति मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में होता है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, डिवाइड दीज मैंगोस बिटवीन राम एंड मोहन, इन आमों को राम और मोहन में बांट दो, तो यानी राम और मोहन दो हैं, इसलिए हमने उसमें लगा दिया बिटवीन। कभी कभी एक कॉम्बिनेशन भी याद रखिए यहां पर इन देता है, डिवाइड दीज मैंगोज इन राम एंड मोहन, जो कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा याद रखिए यहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स, मैंने लगाया यानी मोर देन टू है, दो से ज्यादा है, तो अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में इन आमों को बांट दो, या विद्यार्थियों में इन आमों को बांट दो, तो बहुत सारे हो गए। वो कभी कभी क्या करता है, जहां पर अमंग लगना है वहां बिटवीन लगाएगा, जहां बिटवीन लगना है वहां अमंग लगाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नंबर 7 आता है टिल बाई और टू, टिल मैंने भी तक होता है, बाई मैंने भी तक होता है, और बाई मैंने द्वारा भी होता है, और बाई मैंने से के रूप में भी मैंने इसको पढ़ाया है। तो कैसे इनका यूज होता है, टिल याद रखिए टिल मैंने भी तक होता है, जैसे सेंटेंस को देखिए, ही स्लेप्ट टिल 7 AM, वह 7 बजे तक सोया था, वह 7 बजे तक सोया था, इसका मतलब यहां पर हमने टिल लगा दिया। और यही पर हम देखते हैं सेंटेंस देखिए, ही विल कम बाय 7 o'clock, वह 7 बजे तक आएगा, चूंकि निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं तक के लिए, और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आई शैल कम बैक टिल नाइट, मैं रात तक वापस आऊंगा, उसमें कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए वहां पर हम टिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए टू को देखिए, ये भी तक की सेंस में यूज होता है, सी वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के छोर तक चली, यानी छोर तक चली, यहां पर भी सेंस दे रहा है टू, तक की सेंस दे रहा है, एक संबंध बता रहा है, तो यहां पर हम टू का प्रयोग ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है बिफोर और आफ्टर, बिफोर मैंने पहले और आफ्टर मैंने बाद में, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा है, मैंने उसको पढ़ाया है, उसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किया है, तो उपवाक्यों को बिफोर और आफ्टर जोड़ते हैं वहां पर उनका प्रयोग होता है, वो भी प्रीपोजिशन का प्रयोग है, चूंकि ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं, और बिफोर जो कि प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहां पर बिफोर लगेगा, द पेशेंट डाइड, चूंकि यहां हैड नहीं है इसमें, डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, तो देखिए यहां पर आफ्टर लगा है, आफ्टर का आगे भी मैं प्रयोग पढ़ाऊंगा एक दूसरी सेंस में। उसके बाद आते हैं नंबर 9 बिसाइड और बिसाइड्स, इस बिसाइड का मतलब है पास, यदि मैं इसमें एस लगा दूंगा तो इसका अर्थ हो जाएगा दूर, अतिरिक्त या अलावा या परे, तो देखिए इनका प्रयोग कैसे होता है, एस लगाने से इसका अर्थ एकदम से क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। पहला सेंटेंस देखिए, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो, तो देखिए इसमें यहां पर पास लगा इसका अर्थ। दूसरा सेंटेंस है ही एट द फूड बिसाइड टी, उसने चाय के अलावा खाना भी खाया, इसका मतलब चाय तो पी लेकिन उसके साथ साथ खाना भी खाया, दोनों काम किए उसने, तो यहां पर मैंने बिसाइड्स लगा दिया अलावा। उसके बाद नंबर 10 आता है सिंस और फॉर का प्रयोग, ये से के लिए आते हैं,
सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, पहला एग्जांपल है, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब 2010 एक निश्चित समय है, तो हमने यहाँ पर से के लिए सिंस लगा दिया। दूसरे एग्जांपल में दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खेल रहे थे। अब पता नहीं कौन से 2 घंटे से खेल रहे थे, अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। इस तरह से हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। एक बट है, देखिए वैसे तो प्योरली एक कंजक्शन है, कंजक्शन के रूप में यूज होता है और ये हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिससे 2 वाक्य जोड़े जाते हैं और वो सेंटेंस कैसे कंपाउंड बनते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन फॉर्म में भी इसका प्रयोग एक जगह होता है, वो किस सेंस में होता है, द मैन इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ पर मैंने बट लगाया, आदमी धनी है लेकिन वह खुश नहीं है, तो यहाँ पर यह प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद नंबर 12 पर आते हैं, टू एंड ऑफ, तो याद रखिए टू और ऑफ जो 2 प्रीपोजिशन हैं, ये हमेशा निकटता बताने के लिए यूज होते हैं। और किसकी निकटता बताते हैं, ये दो नाउन की नाउन के साथ या प्रोनाउन की प्रोनाउन के साथ या नाउन का प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। इसमें पास की इंग्लिश ऐसे नहीं होती कि नियर लगा देंगे, ही केम नियर मी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, तो यहाँ पर पास लगा। आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, देखिए यहाँ पर ऑफ लगा, फॉन्ड ऑफ मिल्क, मैं दूध का शौकीन हूं, यानी यहाँ पर दूध का और आई का संबंध कौन बता रहा है, ऑफ बता रहा है। यहाँ पर ही का संबंध और मी का कौन बता रहा है, टू बता रहा है। तो इस तरह से फॉन्ड तो एक ऐसी वर्ब है, उसके बाद ऑफ ही आता है, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है भाई, और प्राउड के बाद ऑफ आता है, बहुत सारी वर्ब सच के बाद जैसे इस टाइप से यूज होते हैं। और नंबर 13 पर आता है, आफ्टर और बिहाइंड, देखिए आफ्टर मैंने भी पीछे होता है, बिहाइंड मैंने भी पीछे होता है, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। आफ्टर पीछे के लिए वहां लगाया जाता है जहां मोशन होती है, गति होती है, जहां गति होती है वहां हमेशा पीछे के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, तो वहां पर भी हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और बिहाइंड वहां लगाया जाता है जहां की स्थिरता होती है, वहां कोई गति नहीं होती। जैसे कि दूसरा एग्जांपल इस बात को क्लियर कर रहा है कि ही इज सिटिंग बिहाइंड द रूम, वह रूम के पीछे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो स्थिर है। दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर है आफ्टर और बिहाइंड में। उसके बाद नंबर 14 पर देखिए, बिलो और अंडर आता है, बिलो मैंने भी नीचे है, अंडर मैंने भी नीचे है, तो दोनों में अंतर क्या होता है। बिलो का प्रयोग वहां किया जाता है, जैसे कि पहले एग्जांपल में देखे, जो कि रैंक के लिए होता है, रैंक के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कि कोई मान लीजिए कि डॉक्टर है, डॉक्टर के नीचे जो काम करता है वो उसके बिलो है रैंक में, तो वहां पर भी बिलो का प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा ये सेंटेंस है, द लेक इज ऑलमोस्ट 900 फीट बिलो सी लेवल, समुद्र के लेवल से, समुद्र के स्तर से झील 900 फीट नीचे है, तो यदि 900 फुट नीचे उसका स्तर है तो वहां पर भी हम बिलो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अंडर का प्रयोग कैसे किया जाता है, नंबर 2 में देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल, जहां हमें दिखाई दे रहा है वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है कि कितने फिट वो नीचे है, तो यहाँ पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये चीज इस चीज के नीचे है, तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। उसके बाद आगे आता है एगो और बिफोर, एगो मैंने भी पहले होता है, बिफोर मैंने भी पहले होता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है। जब कोई हम स्टोरी शुरू करते हैं, कहते हैं मैं न्यू ईयर सगो कई वर्ष पहले ये प्रिंस यूज्ड टू लिव इन जापान, जापान में एक राजकुमार रहा करता था, तो मैनी ईयर्स एगो लगाते हैं ऐसी जगह। तो ऐसे ही सेंटेंस में देखिए, मैनी ईयर्स एगो ही यूज्ड टू लिव इन अमेरिका, कई वर्ष पहले वे अमेरिका में रहा करता था। उसके बाद बिफोर आता है, बिफोर सामने, जो कि मेरे सामने है, आई वाज स्टूड बिफोर हिम, मैं उसके सामने खड़ा था, तो यहां पर बिफोर का प्रयोग करेंगे। और यहां पर मैनी ईयर्स एगो, जो बात पहले है बीत गई है, जो भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो उसके लिए हम एगो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 16 पर आता है, क्रॉस और थ्रू, अक्रॉस मैंने आर पार, थ्रू मैंने भी संपूर्ण होता है, लेकिन इन दोनों में फिर भी एक अंतर होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है, ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, यानी अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज पुल होता है, पुल को उसने पार करके, यानी उसके नेक्स्ट लास्ट छोर पे पहुंच गया, उसने उस पुल को पूरा पार कर लिया, अक्रॉस का मतलब पार चला गया।
तो ही वॉक अक्रॉस द ब्रिज, उसने पुल को पार कर लिया, अर्थात वो पुल के पार तक अंतिम छोर तक गया। उसके बाद देखते हैं थ्रू का प्रयोग कहां होता है। जैसे इस एग्जांपल में हम लेते हैं कि ही ड्राइव्ड द कार थ्रू द टनल, टनल सुरंग को कहते हैं। ही ड्राइव्ड द कार थ्रू द टनल, सुरंग से उसने अपनी कार ड्राइव की, यानी थ्रू द टनल, टनल सुरंग के से होता हुआ वो आगे गया, तो वहां पर हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अबाउट आता है, अबाउट मैंने बारे में या लगभग होता है। We were talking about you, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं एक और सेंस में भी अबाउट का प्रयोग किया जाता है, जैसा टू लग जाता है, अबाउट टू, यानी उसका अर्थ हो जाता है वाला है, वाली है, वाले हैं। कैसे, जैसे मैं यूज करता हूं कि मैं खाना खाने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू ईट द फूड, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला हूं, तो वहां पर ये यूज होता है। उसके बाद ये 17 हो गए। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये ना समझें कि प्रीपोजिशन टॉपिक यहीं पर आके समाप्त हो गया। प्रीपोजिशन एक अथा एक ऐसी टॉपिक है, कोई भी आज तक इस पर कमांड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि अपने साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं। किसी के साथ ऑफ लगेगा, किसी के साथ टू, किसी के साथ फोर, तो वो चीजें हमें तैयार करनी पड़ेंगी। बहुत कुछ हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सी वो वर्ब्स हैं। एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि कुछ निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स और नाउन्स होते हैं जैसे लुक है, लाफ है, लोक है, तो इनके बाद हमेशा क्या आता है, एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ये एक एग्जांपल है, एक छोटा सा। यानी बहुत सारी वर्ब्स ऐसी है, बहुत सारी नाउन्स और एडजेक्टिव्स है, प्राउड है, फोंड है और अफ्रेड है, इनके बाद हमेशा ऑफ लगता है, लिसन के बाद और गो के बाद हमेशा टू लगता है, एक्सेट्रा, इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेती, जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एंटर के बाद, पास के बाद सिर्क होता है, काम चोरी करना। इसके अलावा एक आर ई ए सी एच, रिच, मैंने पहुंचना होता है। ये वर्ब्स कभी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेकर नहीं चलती। यानी बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, वो भी हमें याद करनी पड़ेगी, उनको तैयार करना पड़ेगा। और इन सभी जो भी प्रीपोजिशन पढ़ाए गए हैं, इन सभी प्रीपोजिशंस के साथ साथ इनको भी हम तैयार करें। इसी के साथ ही प्रीपोजिशन टॉपिक फिनिश होता है और सभी हमारे इस ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी ग्रामर पर और लिटरेचर पर वीडियो हैं वो आपको नियमित रूप से मिलती रहे।